दोस्तों भाई इंडियन नेवी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं दोस्तों SSR, AA और MR के। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया था वो थे अच्छे तरीके से और वॉइस नहीं आई दोस्तों, इसीलिए मैं जो है पॉडकास्ट कर रहा हूँ। भाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई कि अब जो है साइट इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही है जितना उस टाइम पर कर रही थी, ठीक है। सो यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि 100% पर यार मतलब कमाल कर दिया इंडियन नेवी ने, 100% पर एडमिट कार्ड दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने जो है इंडियन नेवी की वेबसाइट ओपन की है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तो बहुत ही बढ़िया साइट चल रही थी, लेकिन अब मैंने ट्राई किया तो बिल्कुल पेज भी लोड नहीं हो रहा है दोस्तों। सो यहां पर हम रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो वेबसाइट है भाई, ये मैंने वेबसाइट ओपन की है, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह। दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप 1 तारीख से पहले पहले अकेडमी प्लस परचेज करते हो तो आप दोस्तों यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो 25% डिस्काउंट का, क्योंकि 1 तारीख के बाद दोस्तों अनअकेडमी NDA कैटेगरी के जो प्राइजेस हैं 15% से इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली आप इस QR कोड को स्कैन करके सब्सक्रिप्शन भी आप परचेज कर सकते हो। यहीं पर दोस्तों NDA के लिए कम्प्लीट बैच कोर्स लाइव हो चुका है, संकल्प NDA 1, जिसमें टीम अर्पित सर के द्वारा आपको टीच किया जाएगा। 24 नवंबर से 10 अप्रैल तक ये बैच चलने वाला है। यहीं पर दोस्तों कमांडो 2.0 इसके पैरेलल एक और बैच चलेगा जो कि NDA का डिटेल्ड बैच है, ये भी आपका 24 नवंबर तक चलेगा, और स्क्रीन पर आप एजुकेटर्स भी देख सकते हो। दोस्तों बम्पर ऑफर्स भी लाइव है भाई, 12 महीने के साथ 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 24 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड। 12 महीने का अगर आप लेते हो तो 12 महीने का SSB प्लस आपको फ्री दिया जाएगा, और 24 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। नेवी का भी कंप्लीट बैच कोर्स लाइव हो चुका है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपल कैटेगरी चूज करना है, देन टेन्योर चूज करना है, और फिर हैव अ रेफरल कोड में आपको एंटर कर देना है इंडियन। इससे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहीं पर अगर आप नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड कैटेगरी में सबसे लेना चाहते हो तो टेन्योर चूज करके सेम हैव अ रेफरल कोड में आपको एंटर कर देना है भाई इंडियन। जैसे ही इंडियन में आप एंटर करते हो आपके प्राइजेस 10% से और कम हो जाएंगे, और आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेज को भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। सुबह के 9 बजे साइंस की क्लास होती है, दोपहर 1 बजे नेवी MR का प्रैक्टिस सेट, शाम को 6 बजे GK क्लास, और रात को 9 दोस्तों जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। तो इनको आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, और आपसे इनवाइट कोड मांगेगा दोस्तों। जब पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपसे एक इनवाइट कोड मांगेगा, जिसमें आप इंडियन एंटर कर देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस को आप ज्वाइन कर पाओगे। सो यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो दोस्तों, अभी जस्ट मैंने साइट को रिफ्रेश किया है तो बिल्कुल साइट अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। सो यहाँ पर जब आप देखोगे दोस्तों तो आप देख सकते हो भाई हमारे पास जो कैंडिडेट हैं इनका मैंने ID प्रोफाइल ओपन कर रखा है, तो ये आप कॉलम देख सकते हो दोस्तों। रिसिप्ट यहाँ पे ग्रीन है भाई, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग फिर से जो है मतलब जैसे जब ऑफलाइन एग्जाम होता था ना वैसा बड़ा काम कर दिया भाई, अब शॉर्ट लिस्टिंग पे भी रेड क्रॉस आ गया है। दोस्तों शॉर्ट लिस्ट कैसी हो भाई मेरे को ये बता दो यार, शॉर्ट लिस्ट बंदा तब होता है जब मतलब 100% मार्क्स नंबर हो, मतलब यार 100% वाले को केवल शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है ये दोस्तों, ये मेरे को बताते वक्त ना दोस्तों बिल्कुल भाई हंसी आ रही है। मतलब कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ भाई, कट ऑफ फॉर रिटर्न एग्जाम क्या रखा है दोस्तों, हरियाणा के लिए जो कट ऑफ है भाई वो है केवल 100% है ना, 100% यार, केवल 100% आप कह दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मजाक है दोस्तों ये तो बिल्कुल, है ना। 100% पे यार किस भर्ती का एडमिट कार्ड आता है दोस्तों मेरे को ये बता दो भाई। जब इंडियन नेवी ऑफलाइन एग्जाम लेती थी तब भी यार लगभग लगभग 90 पे आ जाता था, अब तो यार बिल्कुल कमाल कर दिया है। हाँ जी, तो यहां पे मतलब यार बहुत ही ज्यादा गलत मेरे को लग रहा है दोस्तों कि यार 100% पे मतलब 7-8 वैकेंसीज दोस्तों, पहले अगर आप मैं आपको बताऊं तो पहले जो वैकेंसीज होती थी SSR AA की तो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन MR की अब की बार वैकेंसी भी कम कर दी है, शॉर्टलिस्ट कर दिया है। 350 वैकेंसीज के लिए दोस्तों केवल 1500 बच्चों को बुला रहे हैं, ये कहां का न्याय है दोस्तों, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। तो यार आप सभी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरे को तो नहीं लग रहा दोस्तों कि मतलब, और यहाँ पे जिनके एडमिट कार्ड आया ना जरूरी नहीं है कि वो 1500 के 1500 बच्चे ही एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों, ऐसा भी नहीं। आपने पिछली बार भी देखा होगा 200-200 के बच्चों के जो ग्रुप थे उसमें से मात्र 100-80 इतने बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे, तो यार कंपिटिशन तो ना के बराबर है दोस्तों, हर दूसरे बच्चे का यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सिलेक्शन हो रहा है। तो भाई ये दोस्तों मेरे को बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा है भाई, आप क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं आपको एक PDF भी दिखा देता हूँ जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने हमारे पास जो है एग्जाम के एडमिट कार्ड भेजे हैं भाई, कई बच्चों के एडमिट कार्ड आ भी चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो भाई इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों और बहुत सारे दोस्तों जैसे SSR AA के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश से जो SSR AA की कट ऑफ गई है दोस्तों आप सभी क्लियरली देख सकते हो भाई, उत्तर प्रदेश से जो SSR AA की कट ऑफ गई है भाई वो गई है 91.2% मार्क्स, 91.2% दोस्तों, कितने ज्यादा नंबर हो जाते हैं आप सभी को पता भी है दोस्तों, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दोस्तों उनको तो बखूबी पता होगा भाई कि 10+2 में इतने नंबर लेकर आना कोई हंसी खेल
स्केल वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों हरियाणा की, तो हरियाणा की तो 100% गई है, मैंने आपको बता दिया है। और जब कोरोना का टाइम है दोस्तों, और उस समय पे दोस्तों बच्चों को डायरेक्टली पास कर दिया गया, और वो बच्चे थे जो एग्जाम देकर आए थे, तो उनके 70% मार्क्स में मानता हूँ दोस्तों आज के 100% मार्क्स से भी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आगे, तो आगे देखो भाई यहाँ पे जो MR का ही आप देख सकते हो दोस्तों, सेफ स्टेवर्ड हाइजनिस्ट, यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट कट ऑफ गई है भाई जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो कट ऑफ गई है वो कमाल कर देने वाली है, 94.60, बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। जहां पर जम्मू एंड कश्मीर का बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों 94.60 मार्क्स जो है, कितनी ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे रखी गई है दोस्तों। ठीक है, मतलब यार एग्जाम कौन देने जाएगा भाई, यार एक कंपटीशन भी होता है दोस्तों, कंपिटेटिव एग्जाम है यार, आप भर्ती कर रहे हो तो सबको मौका दो ना, इक्वल इक्वल सबको मौका दो ना दोस्तों। तो पता नहीं यार क्या कर रहे हैं भाई, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मिजोरम की कट ऑफ भाई बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिली है, 65.51, क्योंकि दोस्तों वहां पे आप सभी को पता है अभी बच्चों ने कम ही अप्लाई किया होगा, एक तो साइट इतनी अच्छी चलती है वो तो आप सभी को पता ही है, ऊपर से दोस्तों ये कट ऑफ वाला सीन मतलब यार मन तोड़ देते हैं दोस्तों बच्चे का, क्योंकि यार मेहनत यार 100% वाला भी तो नहीं करेगा, और 80% वाला भी, और 90% वाला भी। तो यार और जम्मू कश्मीर की मैंने आपको बता दिया 94.60 है दोस्तों। आपको ऑडियो वीडियो में जो है थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा अभी, क्योंकि ऊपर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तब जो है ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुई थी, तो डेट्स वाई मैं दोबारा से जो है वॉइस ओवर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दे रखी हैं भाई, कि जो कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पे SSR EE जिनकी कट ऑफ, जिनका जो एग्जाम के एडमिट कार्ड है गए भाई, उनको कट ऑफ नहीं बताई गई है, ये भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं SSR EE की जो कट ऑफ गई है उत्तराखंड की, वो आप सभी देख सकते हो दोस्तों 94.20% गई है भाई, 94.20% जो है आपकी कट ऑफ गई है दोस्तों उत्तराखंड की। ठीक है, हरियाणा की तो 100% पता ही है भाई, उत्तराखंड हरियाणा का ही पड़ोसी राज्य है, तो भाई थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा की जो SSR की कट ऑफ गई है वो गई है 97.1% मार्क्स, 97.1% मार्क्स गई है दोस्तों हरियाणा की कट ऑफ SSR EE की। ठीक है, ये और भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र की जो कट ऑफ गई है दोस्तों आपकी SSR की वो गई है 89.60, महाराष्ट्र की जो कट ऑफ गई है दोस्तों SSR की वो गई है भाई 89.60 मार्क्स, ये भी आप जो है क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं दोस्तों, बहुत सारे तो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं। तेलंगाना भाई पिछली बार आंध्र प्रदेश ने कमाल किया था, और अब की बार तेलंगाना कमाल कर गया है, 91.91% मार्क्स गई है दोस्तों, यहां पे जो कट ऑफ गई है वो आपकी गई है 91.91% मार्क्स दोस्तों SSR EE की, कहां से तेलंगाना से। ठीक है, अभी कुछ और स्टेट के मेरे को मिल जाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको साथ के साथ वो भी टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दूंगा, इंडियन रोजगार ऑफिशियल के नाम से आप सभी जरूर से भी जरूर ज्वाइन कर लेना। महाराष्ट्र की कट ऑफ मैंने आपको बता दी 89.60 है, देन उसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की गई है दोस्तों 91.6% मार्क्स, 91.6% मार्क्स जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की जो है कट ऑफ यहां पे गई है दोस्तों। ठीक है, आप सभी देख सकते हो दोस्तों जो भी मेरे को देखने को मिली है वो सारी ही मैंने लगभग लगभग आपको बता दी हैं। तो दोस्तों भाई ये कुछ स्टेट की कट ऑफ थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, बाकी दोस्तों यार मतलब बहुत ही ज्यादा गलत हुआ यार, 100% पे यार मेरे को मजाक भी मतलब आ रहा है दोस्तों, मतलब हंसी आ रही है यार 100% पे एडमिट कार्ड, ऐसा मतलब कैसे कर सकते हैं मैंने इन्हें भी। ठीक है, बाकी दोस्तों भाई जिनका एडमिट कार्ड आ गया है वो भी मेहनत कर दो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया उनके लिए बहुत ही ज्यादा बुरी चीज भी है। ठीक है, और कोर्ट केस हो रखा है दोस्तों, आप सभी को पता है, अब जो नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो 1 महीने बाद की है, और जैसा कि सर को डाउट था और वैसा ही निर्णय मैंने किया भाई, इस बीच अगर एडमिट कार्ड आ गए तो है ना, तो और वही काम हो गया है, तो कुछ ना कुछ होगा दोस्तों, देखते हैं भाई क्या रहता है। बाकी आप सभी सपोर्ट करो भाई, जो अध्यापक इसमें जुड़े हुए हैं उनको पूरा तन मन धन से सपोर्ट करो दोस्तों, मैं भी भाई उनके साथ हूँ। ठीक है, सो आप सभी के लिए दोस्तों ये मैंने बता दिया दोस्तों कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, और डाल भी रखा है, एडमिट कार्ड जस्ट अभी आए हैं तो आप साइट को जाके चेक कर सकते हो। और भाई जिनका एडमिट कार्ड आ गया ना वो पढ़ाई करने लग जाओ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके पास, पढ़ाई कर लो भाई, जिनका एडमिट कार्ड आ गया है वो इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, एक बहुत ही जबरदस्त मौका आप सभी के पास है। ठीक है, और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों जिनका एडमिट कार्ड आ गया वो तैयारी करने लग जाओ, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है अकेडमी पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरी प्रोफाइल का, अभी जाइए फॉलो कीजिए, शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे भी क्लास होती है, सुबह के 9 बजे और दोपहर को 1 बजे, सो आप सभी वहां पे ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इंडियन अनलॉक कोड है, इसकी मदद से आप मेरी क्लास को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में भाई, टिल देन हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।